हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आपके साथ मिस ना हो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दही काली मिर्च चिकन, जिसे बनाना बहुत ही आसान होगा और मैं उसमें बहुत ही कम और गिने चुने मसालों का यूज करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बनाना सिखाऊंगी दही काली मिर्च चिकन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक बोल में चिकन, जिसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया और वॉश भी कर लिया है। ये मेरे पास 700 ग्राम चिकन है। इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे मैरिनेट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 चम्मच, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी 1/4 चम्मच यानी 1/4 टीस्पून, और फिर मैं इसके अंदर डालूंगी नमक हम इसमें डालेंगे 1/2 स्पून। तो मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी कर्ड यानी दही। तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून यानी 1 टेबलस्पून दही ऐड करूंगी, और इसको कर लेंगे हम मैरिनेट। अच्छे से मिक्स करूंगी मैं इसको इन सबके साथ। और अब इसमें मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी ढककर, तो इसे मैं कर दूंगी साइड। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, तब तक हम अपने दूसरे प्रोसेस पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे लिए मैंने कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने डाला है 2 चम्मच सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। उसको मैं अच्छे से गर्म कर लूंगी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अनियन। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज की अनियन फाइनली चॉप कर लिए हैं, और मेरा तेल इसमें गर्म हो चुका है। मैं इसमें डालूंगी ब्लैक पेपर, मैं इसमें 8 से 10 ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी का टुकड़ा, और फिर मैं इसमें डालूंगी 2 बेलीफ यानी तेज पत्ता। इनको हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे कि ये अपना जो फ्लेवर है वो तेल में छोड़ दे, बस आपको इतना सही करना है। और ये हो गया है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी ये अनियन, अनियन को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और मैं यहाँ पे प्याज को अच्छे से सॉटे कर लूंगी यानी भून लूंगी। देखिए और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसको भी प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे हम। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये मैरिनेटेड किया हुआ चिकन। तो चिकन को हम डायरेक्ट इसमें ऐसे ही डाल देंगे, और अपने चिकन को अच्छे से पका लेंगे। हम अपने चिकन को 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे ऐसे कुक करेंगे प्याज और लहसुन के पेस्ट में। अलग पलट के पूरा सेक लूंगी मैं इसको, और जब आपका 5 मिनट हो जाएंगे ना दोस्तों, तो आपके चिकन का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, बादामी कलर का हो जाएगा। 5 मिनट हो चुके हैं दोस्तों मुझे, तो यहाँ पे मैं फ्लेम को मीडियम कर दूंगी, और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिली। मैंने यहाँ पे 4 ग्रीन चिली ली थी जिन्हें बीच में से काट लिया है, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी नमक 1/2 चम्मच, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी धनिया पाउडर 1 चम्मच। यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच का यूज कर रही थी, तो मैं यहाँ पे धनिया पाउडर 2 बार डाल के दिखा रही हूँ, और इनको मिक्स कर लेंगे।
और आधी चम्मच मैं इसमें डालूंगी ब्लैक पेपर पाउडर। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी दही। तो मैंने यहाँ पे 150 ग्राम बीट किया हुआ दही है। और जब भी आप दोस्तों दही डालें तो गैस को एकदम लो कर लें, उसके बाद ही दही इसमें ऐड करें। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही और इसको भी कर लूंगी अच्छे से मिक्स। दही अच्छे से मिक्स हो गया है और मैंने यहाँ पे फ्लेम को अब मीडियम कर लिया है और मैं इसे 5 मिनट अपने चिकन को दही में ऐसे ही कुक कर लूंगी। और यहाँ पे मेरे चिकन को दही में कुक होते होते 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। तो मैं इसमें आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ और इसके बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी इसके अंदर ताकि पानी भी अच्छे से सेट हो जाए, इसमें मसालों में चले जाए नीचे तक। और अब मैं इसे ढक दूंगी 15 मिनट तक। हम इसे कवर करके पकाएंगे। हमारे चिकन को यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसे देख लेती हूँ। तो ये देखिए, ये काफी अच्छे से कुक हो गया है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1/4 चम्मच। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी भुना हुआ जीरा पाउडर 1/4 चम्मच और फिर मैं इसमें डालूंगी ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 चम्मच। और इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स करके अपने चिकन को थोड़ी देर और कुक कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। तो मैं इसमें 3 टेबलस्पून क्रीम ऐड कर रही हूँ। और इसको भी मैं मिक्स कर लूंगी, इससे हमारे चिकन में एकदम क्रीमी फ्लेवर आ जाएगा और इस क्रीम को भी हम अच्छे से इसमें पका लेंगे। और यहाँ पे हमारा चिकन बनके एकदम रेडी हो गया है। और मैं चिकन पीसों को थोड़ा सा साइड करूंगी और गैस को कर दूंगी यहाँ पे बंद। और यहाँ पे मैं प्लेस करूंगी छोटी सी कटोरी, क्योंकि हम इसे फ्लेवर देंगे स्मोकी फ्लेवर। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी कटोरी सेट कर दी और वहां मैंने दूसरी गैस पे, दूसरे बर्नर पे एक कोल रखा था जिसको मैंने सुलगा लिया है। और इसको प्लेस करेंगे इसके अंदर फटाफट से। लाऊंगी मैं इसका कवर और इस पर डालेंगे थोड़ा सा घी और इसको मैं कवर कर दूंगी। और ये मैंने अपने चिकन को स्मोकी फ्लेवर भी दे दिया है। और ये देखिए दोस्तों, हमारा चिकन एकदम रेडी हो चुका है, इसमें स्मोकी फ्लेवर भी लग चुका है। मैं इसका आपको ढक्कन हटा के दिखाती हूँ। और जब इसका स्मोक बिल्कुल खत्म हो जाए ना, तब आपको इसको हटाना है। और अब मैं इस कटोरी को भी यहां से हटा लूंगी। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब हमारा काली मिर्च और दही वाला चिकन एकदम तैयार है। और एक बार हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, और जब आप इसे सर्व करें ना, तो एक बार गरम कर लें, बहुत ही टेस्टी लगने वाला है ये। आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, खाने में भी और बनाने में भी आपको काफी मजा आएगा। बहुत ही बढ़िया चिकन है, बहुत ही कम मसालों का है, गिने चुने मसाले डाले गए हैं इसके अंदर और बहुत ही हेल्दी है। देखिए, आप इसे स्टार्टर में अपने गेस्ट के आगे सर्व कर सकते हैं और ये काफी बढ़िया दिख रहा है, एकदम बटरी दिख रहा है, क्रीमी दिख रहा है। और आप मेरी इस वीडियो को घर पे जरूर ट्राई करें, बहुत ही इजी रेसिपी है चिकन के लिए, कोई भी इसे ट्राई कर सकता है।